हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे? प्यारे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं आज बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस ईएमएफ, जो खुद बेस्ड है लॉज ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इससे पहले मैंने आपको दो लेक्चर्स दिए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होते हैं, और सेकंड लेक्चर में मैंने लेंज लॉ के बहुत ही सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कराए थे, जो आपके दिमाग को बिल्कुल इस तरीके से बढ़िया से आपको सारा कंसेप्ट बैठा दें कि मज़े लग जाए। अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं दोनों, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सारे लेक्चर्स के लिंक्स पे क्लिक करके पीछे वाले लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं। कर लिए हैं तो आज का न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ में आपको करते जाना है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ पहले का रिकैप्सुलेशन कर लें। क्या क्या पढ़ा प्यारे? हमने फ्लक्स पढ़ा था, फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, जिसे हम ले सकते हैं बी ए कॉस थीटा, या थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर जो होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। ठीक है, यानी अगर किसी सर्फेस के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर सर्फेस, तो थीटा की वैल्यू 99, थीटा की वैल्यू 0 होगी, because theta is the angle between B vector and area vector, जो खुद surface के perpendicular होता है, इस case में 0 होगा angle इन दोनों के बीच। दूसरा, हमने कुछ इसके special cases पढ़े थे, वहाँ पे पढ़ी लिए, मैं formula की बात कर रहा हूँ। Faraday's laws of electromagnetic induction में हमने पढ़ा कि E is equal to minus d phi over dt, और अगर n turn से pass होता है में EMF बनता है, तो माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, EMF कैसे बनता है, ये हमने बताया था। किसी भी कॉइल से लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, बढ़े या कम हो, किसी मैग्नेट को कॉइल के पास में या दूर ले जाने से उससे फ्लक्स चेंज होता है, तो उस कॉइल में इंड्यूस EMF बनता है, जिस इंड्यूस EMF का ये फॉर्मूला होता है, जिससे हम उसका इंड्यूस करंट भी निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर करके, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, और कितना फ्लक्स है उसका फॉर्मूला ये। फिलहाल इन्हीं बस इन्हीं फॉर्मूले पे बेस आज हम कुछ प्यारे से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो कॉपी पेन नहीं निकाला है तो जल्दी से निकाल के बैठ जाइए। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आज का सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, जैसे मैंने अभी बताया ये कॉइल है, कैसी भी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि कॉइल के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका अगर हम एरिया वेक्टर लें तो एरिया तो सरफेस से परपेंडिकुलर होता ही है, यानी इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो गया है। कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इन्होंने दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला 5t³ + 4t² + 2t - 5। आप देख रहे हैं फ्लक्स जो है, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा टाइम की वैल्यू, वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, उस सरफेस से लिंक्ड, उस कॉइल से लिंक्ड, और फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या बनेगा, उसमें क्या बनेगा, क्या बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। शायद हमसे वही पूछा है, फाइंड द इंड्यूस करंट। अरे भैया, करंट पूछ लिया जबकि कितने टाइम पे कह रहे हैं, 2 सेकंड पे बताओ उसमें कितना करंट बन रहा होगा, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम। तो भैया, I निकालने के लिए आपको E तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि I का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V की जगह मैं यहाँ E लिख दे रहा हूँ, लेकिन I निकालने के लिए E तो निकालना पड़ेगा। I कैसे निकालें भैया, I का E कैसे निकालें, E का तो फॉर्मूला मालूम है ना, EMF तब बनता है जब फ्लक्स में चेंज होता है, उसका फॉर्मूला होता है इंड्यूस EMF का d phi ओवर dt। माइनस लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स करते हैं तो मैग्नेट निकालते हैं, तो मॉड लिख के मैंने माइनस का साइन हटा दिया है, सिर्फ वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो यहां पर आप ये कर ये कि d अपॉन dt फाई की जगह लिख दीजिए 5t³ + 4t² + 2t - 5। ये लीजिए, डिफरेंशिएशन तो आता है ना, आता है कि नहीं आता है भैया? अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो फिजिक्स में जितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होता है उसका एक अलग से लेक्चर मैंने दिया है, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो आप अटेंड कर सकते हैं अगर आपको दिक्कतें हैं। फिलहाल इसका मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये मानते हुए आपको आता है, नहीं आता है अटेंड कर लिया है, ये मानते हुए इसका डिफरेंशिएशन 5, ये 3 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 15t²
प्लस ये 2 बाहर आएगा 8t की पावर 1, जो भी पावर है एक कम हो जाती है, पावर एक कम हो जाती है पावर बाहर आके, यहाँ पावर 1 है, 1 बाहर आके हो जाएगी 2 और t की पावर हो जाएगी खुद 0, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 1 होता है, इसलिए हटा दिया यहाँ पे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस 0। तो ये लीजिए ईएमएफ तो आ गया आपके पास ये, तो भैया ईएमएफ जब आ गया, ये लीजिए मैं यहाँ पे ईएमएफ लिख ले रहा हूँ, ईएमएफ अगर आपके पास आ गया है 15t² + 8t + 2, तो ईएमएफ हम निकाल लेते हैं भैया कि एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना बन रहा होगा, टी की वैल्यू यहाँ पर 2 डाल के, भैया जब टी की वैल्यू 2 डाल देंगे तो ईएमएफ तो आ ही जाएगा, और ईएमएफ आ जाएगा तो भैया करंट भी आ ही जाएगा 2 सेकंड पे। ये लीजिए 15 × 4 + 16 + 2 15 × 4 = 60, और ये होता है 76 और 78 हो गया, कैलकुलेशन देख लेना, वोल्ट हो गया। आई निकाल लो, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ई आपका आ चुका है 78, आर है ये लो 78 अपॉन 5 कर दो, 5 × 1 = 5, ठीक है ना, 2 × 5 = 15.6 एम्पियर, ये आपका करंट आ गया। समझ पा रहे हो कि न समझ पा रहे हो प्यारे? देखो बहुत ज़रूरी है कि आगे अब जो भी क्वेश्चन आए पहले खुद करने की कोशिश करना, दिमाग खुद लगाना, फिर उसके बाद मेरा देखना, अगर नहीं समझ में आए आंसर, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके अलावा भी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्दी आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। फिलहाल देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगले क्वेश्चन में पॉज मारिए और करिए अपने आप। कह रहे हैं वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, साथ में करते जाएंगे मजे आएंगे, वरना बोरियत होगी। अब वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लीजिए 88 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, पूरी हमने लेंथ मान ली 88 सेंटीमीटर, बेंड इनटू अ फॉर्म ऑफ सर्कल, इसे मोड़ के एक सर्कल बना लिया, क्या करेंगे इसका वो देखते हैं, लेकिन एक बताओ मोड़ के जब कुछ चीज बनाते हैं वायर की तो इसकी और इसकी क्या सेम रहेगी, क्या सेम रहेगी, लेंथ, जितनी ये लेंथ है इसकी पूरी लेंथ भी तो उतनी ही होगी, इसकी पूरी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो पूरी लेंथ का मतलब हो गया इसकी सर्कमफेरेंस जो होती है 2πr, 2πr जो होगी, अगर r इसका रेडियस है तो होगी तो लेंथ के बराबर ही ना, ये इसलिए दे रखा होता है ताकि आप इसका रेडियस निकाल सकें। निकाल लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे, ये अच्छा लग रहा है, बोले अरे 88 जानबूझ के दिया था ताकि पाई की जगह जब हम 22/7 डालें तो ये सीधे से खचाक खचाक 4 जा कट जाए, खचाक खचाक 2 से कट जाए, 7 उधर चला जाए, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये आपका रेजिस्टेंस नहीं सॉरी रेडियस आ गया। कह रहे हैं दिस सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फिर वही बात आ गई है, देखो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, यानी सरफेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 होने वाला है, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है हमें, फ्लक्स डेंसिटी 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बोले अरे सर फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है तो बता ही नहीं, प्यारे फ्लक्स डेंसिटी एक दूसरी क्वांटिटी का नाम है, अगर वो आपको नहीं पता है तो यूनिट से बता सकते हैं वो कौन सी क्वांटिटी की यूनिट है। देखिए वेबर होती है फ्लक्स की, है ना, ये लिखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर होती है एरिया की, अरे फ्लक्स अपॉन एरिया क्या होता है, अरे फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, तो फाई अपॉन ए भैया बी होता है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। एक्चुअली 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बताया था, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर की जगह टेस्ला लिखें तो ये टेस्ला दे रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। अच्छा विद इन 0.1 सेकेंड 0.5 सेकेंड द लूप इज चेंज टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे ये तो रायता फैलने वाला है, रायता फैलने वाला ये है, इसको थोड़ा सा घचपच करने से फिर बचा लो। कह रहे हैं कि पहले जो है इस तरीके से था और इसे क्या किया 0.5 सेकंड के अंदर इसको चेंज करके खचर 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 एक हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया जिसकी साइड 22 सेंटीमीटर थी, ठीक है। और फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड जो पहले B1 थी, नई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होके हो गई 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा तो कह रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ बताओ कितना बनेगा। प्यारे देखो अगर हम इसको चेंज करके इतने टाइम में स्क्वायर में बनाएंगे तो आप ये समझते हो ना कि एरिया चेंज हो जाएगा इसका,
एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो दोनों के चेंज होने से इससे पास होता हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बनेगा, जिस ईएमएफ का फॉर्मूला होगा ई इज इक्वल टू डी फाई ओवर dt. तो आपको फ्लक्स में कितना चेंज हुआ वो निकाल लें तो ईएमएफ आ जाएगा. उसके लिए सिंपली क्या करें, यहाँ का फ्लक्स अलग निकाल लीजिए, यहाँ का फ्लक्स अलग निकाल लीजिए कितना है, यहाँ का फ्लक्स अलग निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, चेंज इन फ्लक्स यहाँ रख दीजिए और अपॉन टाइम से डिवाइड कर दीजिए. अब देखिए इसका फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होगा बी ए कॉस थीटा, लेकिन कॉस जीरो को मैं वन लिख दे रहा हूँ, सिर्फ बी ए लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पर भी मैं बी ए लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड एरिया, यहाँ पे सेकेंड की. अब मैं मैग्नेटिक फील्ड तो भैया हमें दे रखी है 2.5, एरिया क्या रखोगे भैया, एरिया सर्किल है, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बच्चे. अब ये आप अपने आप करो जरा, पाई की वैल्यू 22/7 डालो, रेडियस की वैल्यू ऐसा ही यूनिट में पॉइंट अपॉन 100 करके मीटर में कर दो, यहाँ डालो इस एरिया को, यहाँ डालो ठीक है, इससे फाई वन निकलेगा, ऐसे ही यहाँ पर करो बी टू की वैल्यू 3 डालो, और इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का एल स्क्वायर, लेंथ है इसकी 0.22 का, लेंथ हो गई इसकी मीटर में 0.22 मीटर, इसका स्क्वायर करो ये a2 आ जाएगा, इसको यहाँ रखो इससे phi2 आ जाएगा, दोनों को माइनस करके phi2 माइनस phi1 करके ठीक है, कौन सा बड़ा होगा, सर्किल का एरिया जाते होता है या स्क्वायर का एरिया, आपको मालूम है फॉर अ गिवन पेरीमीटर सर्किल हैज़ द मैक्सिमम एरिया, तो इसका एरिया ज़्यादा ही आएगा, चाहे निकाल के देख लेना, बड़े फ्लक्स में से छोटा फ्लक्स माइनस करेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड पे भी तो डिपेंड कर रहा है. अरे भैया देखना पड़ेगा यहाँ पे फ्लक्स किसका ज़्यादा आ रहा है, जिसका भी फ्लक्स ज़्यादा आ रहा होगा वो माइनस कर देंगे, फाई वन माइनस फाई टू या फाई टू माइनस फाई वन कर देंगे, चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा, नीचे टाइम ले लेंगे डिवाइड करके, ईएमएफ चेक करिए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है. देखिए साथ में करिए, मज़े तभी आएंगे. कंसेप्ट मैंने बताया कम से कम, सॉल्यूशन खुद अपने आप करके देखिए, एरिया वगैरह डाल के आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो ये जो अभी मैंने दो क्वेश्चन कराए इजी थे कि नहीं थे, बिल्कुल इजी थे. देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं थोड़े से क्वेश्चन में कैसे चेंजेस आते हैं, लेकिन हैं बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस. चलिए ये करिए, करके ही उसके बाद आगे बढ़ना, ऐसे नहीं करो पॉज. आ गया है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखना पढ़ने में कैसा लग रहा है लेकिन कैसे चुटकियों में सॉल्व होने वाला है. कह रहे हैं अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड. भैया ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का वही मतलब है कि सरफेस के जब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए दूसरा शब्द यूज करते हैं ट्रांसवर्स, जिसकी वजह से एंगल हो जाता है फिर से जीरो. ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है, ये लीजिए सर्कुलर लूप, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में बना देता हूँ, डॉट बना दो चाहे क्रॉस बना दो, इस तरीके से सरफेस ऐसे है, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, 0.02 टेस्ला. अच्छा, समहाउ द रेडियस ऑफ द लूप बिगिंस टू डिक्रीज. अरे रेडियस कम होने लगा, छोटा होने लगा, छोटा होने लगा. अरे रेडियस छोटा होगा तो भैया एरिया भी कम होगा, और फिर उस लूप से पास होता हुआ फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और फ्लक्स के डिक्रीज होने से ईएमएफ बनेगा. पूछा क्या है, कह रहे फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ. वही पूछ लिया भैया, कब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, जब उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर रहा होगा तब ईएमएफ कितना होगा. अगर ये दे रखा है रेडियस डिक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 मिलीमीटर छोटा हो जाता है रेडियस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस अगर इसका आर है तो इसकी यूनिट से साफ साफ देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस लिखा है, कितनी तेजी से रेडियस कम हो रहा है, तो ये एक्चुअली हो गया चेंज इन रेडियस पर यूनिट टाइम, चेंज इन रेडियस पर यूनिट टाइम, यानी डी आर ओवर डी टी. आर का मतलब रेडियस है, रेजिस्टेंस मत मान लेना. ये कितना देख रखा है, 1 mm per second, जैसे भैया सबको ऐसा यूनिट में करो, mm को मीटर में करने के लिए 10^-3 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा. ये रेडियस भी तो कर लो भैया, 2 × 10^-2 मीटर. यूनिट चेंज करना मत भूला करो, ऐसा यूनिट वोल्ट तभी आएगी जब बाकी सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में होंगी. फिलहाल देखिए कैसे निकालें, भैया ईएमएफ का तो एक फॉर्मूला होता है ना, इंड्यूस ईएमएफ का क्या, माइनस डी फाई ओवर डी टी, ठीक है.
चलो भैया फाई का फॉर्मूला डाल दो। फाई का क्या फॉर्मूला होता है? फाई का फॉर्मूला होता है वैसे बीए होता है, बीए कॉस थीटा होता है, मैं तो बीए डालूंगा क्योंकि कॉस थीटा कॉस जीरो तो वन हो जाएगा। ये चीज़ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बार बार थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो। क्या एरिया कांस्टेंट है? ए कांस्टेंट है। क्या एरिया कांस्टेंट है? नहीं, एरिया तो छोटा होता जा रहा है। क्या बी कांस्टेंट है? बी कांस्टेंट है। हाँ बी कांस्टेंट है, बी थोड़ी ना चेंज हो रही है। तो जो चीज़ कांस्टेंट है भैया वो बाहर आती है, तो ये यहाँ पे बाहर आ गया बी डी ए ओवर डी टी। चलो यहाँ पे ए का फॉर्मूला डाल दीजिए। ए का फॉर्मूला माइनस लगाना, कितने लगाना है? न्यूमेरिकल से माइनस हटा सकते हो, ठीक है, हम सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप ये एरिया का फॉर्मूला डाल दीजिए। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या कांस्टेंट है बाहर निकालिए, पाई कांस्टेंट है, तो पाई बाहर आया, बी थाई था, अंदर बचा डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी। ठीक है, अब भैया आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ई इज इक्वल टू पाई बी डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है तो भैया टू बाहर आएगा और आर की पावर खुद वन बचेगी, माइनस होके साथ में आएगा डी आर ओवर डी टी। अगर यहाँ पे डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर होता तो ये चीज़ हट जाती है, लेकिन जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अगर किसी दूसरे रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे ये बच जाता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अटेंड कर लेंगे जिस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर होता तो ये कुछ नहीं आता, सिर्फ टू आर हो जाता, लेकिन जो ऊपर है उसके अलावा कुछ नीचे है तो आखिरी में ये बचेगा ही बचेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल वैल्यू डाल दो, ईएमएफ आ जाएगा। पाई आपको मालूम है तो मालूम है 22/7, मैग्नेटिक फील्ड मालूम है 0.02, 2 तो 2 ही लिखोगे, रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर यानी 0.2 × 10⁻², और डी आर ओवर डी टी ये 10⁻³। ये वैल्यू शैल्यू डाल दो, आंसर निकालो, मैच करो, ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइक्रोवोल्ट देखा गया है यानी 2.5 × 10⁻⁶। ठीक है प्यारे, चलिए, तो बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं था? इजी सा है, सारे कंसेप्ट्स आपको पता हैं, बस मिला के दे दिए जाते हैं, तो ध्यान से इसको अपने आप करिए, फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं, अ कॉइल ऑफ मीन एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैविंग 1000 टर्न्स। कॉइल का मीन एरिया, इधर से शुरू कर रहे हैं, एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, भैया सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते चलो, यानी 500 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हैविंग कितने टर्न्स, एन से डिनोट करते हैं 1000 टर्न्स। इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड, फिर से वही सरफेस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा इज इक्वल टू 0। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 गॉस, अरे ऐसा यूनिट टेस्ला होती है भैया, टेस्ला में कर लो ना, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। द कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री, कॉइल को 180 डिग्री टर्न कर दिया गया है, यही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। देखिए इसका क्या मतलब होगा, इन टाइम 1/10 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो प्यारे क्या है, ये ध्यान से देखना, इसमें कुछ अलग चीज़ है। ये इस तरीके से एक कॉइल है, सरफेस है, कॉइल है, रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे पास हो रही है। जब ये ऐसे रखी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स पास हो रहा होगा, मैक्सिमम फ्लक्स इससे क्रॉस हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। जब ये घूमेगी तो कम फ्लक्स पास होगा इसको क्रॉस करेगा, और जब ये इस तरीके से घूम चुकी होगी तो सारा फ्लक्स इधर से उधर निकल जाएगा, और इससे लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, जब तक ये ऐसे थी टेढ़ी थी तो इससे कुछ ना कुछ क्रॉस होकर निकल रही होंगी, फ्लक्स निकल रहा होगा, लेकिन जब ये ऐसी हो जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स आगे और पीछे से निकल जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स है, यहाँ पे कितने डिग्री घूम गई, 90 डिग्री घूमने से फ्लक्स 0 हो गया। तो अगर मैं सिर्फ बात करता कि सिर्फ ये 90 डिग्री घूमी है, 90 डिग्री घूमने से कितना फ्लक्स में चेंज आया या कितना ईएमएफ बना, तो हम ऐसे करते, ई इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, माइनस हटा रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं, एन टर्न्स हैं तो एन लगाएंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन
20, जो भी बड़ा है बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, क्योंकि इनिशियली फ्लक्स ज़्यादा रहा होगा, फाइनली फ्लक्स कम हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे phi 2 माइनस phi 1 की जगह phi 1 माइनस phi 2 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसका हमें सिर्फ मॉड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो इनिशियली ज़्यादा फ्लक्स था तो phi 1 की वैल्यू बड़ी होगी, फाइनली जब ये ऐसे घूम जाएगी तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं phi 2 तो ज़ीरो होगा ही होगा, और phi 1 कितना होगा वो निकाल लेते हैं। phi 1 का फॉर्मूला BA, ठीक है, B हो गई 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और एरिया है 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, पॉइंट हटा अपॉन 0, 1, 2, ये हो गया 5, 4 जा 20, और एक ज़ीरो है ही, तो 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वेबर। ये इनिशियल फ्लक्स आ गया, n की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना, n की वैल्यू डालेंगे, फ्लक्स की वैल्यू डालेंगे, टाइम की वैल्यू डालेंगे, लेकिन प्यारे ये जो फ्लक्स आपने निकाला कि पहले इतना था बाद में इतना हो गया, ज़ीरो हो गया, इसमें कॉइल कितनी घुमाई है, कॉइल कितनी घुमाई है, कितनी घुमाई भैया 90 डिग्री से घुमाई। तो आप देखिए 90 डिग्री से घुमाने पर एक बार पूरा फ्लक्स मैक्सिमम से मिनिमम हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या 90 डिग्री घुमाया है, नहीं, कितना डिग्री घुमाया है 180, यानी ये ऐसे रखी थी, पहले ऐसे 90 डिग्री घूमी होगी, फिर ऐसे और 90 डिग्री, तो 180 डिग्री, यानी ऐसे ऐसे पूरी ऐसे हो गई होगी। तो फ्लक्स एक बार पूरा का पूरा 90 डिग्री पे चेंज होगा, फिर एक बार 90 डिग्री पे और चेंज होगा, तो फ्लक्स में दो गुना चेंज आएगा, 90 डिग्री में एक बार चेंज आ जाएगा और 90 डिग्री में एक बार और पूरा चेंज आएगा। तो टोटल ईएमएफ जो हम कहेंगे कितना बनेगा, वो करने के लिए हमें इसे ट्वाइस करना पड़ेगा। अब वैल्यू डालें, एन की दे रखी है 1000, phi 1 आपका आ गया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, phi 2 तो 0 है ही है, और टाइम कितने टाइम में पूरा 180 डिग्री घूमी है, पूरा घूमी है 1/10 सेकंड में, तो 10 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4, और ये ऊपर जाके 4 0, और 10 टू द पावर माइनस 6 जैसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 या 0.04, और यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो आप समझे मैंने यहाँ क्या चीज़ समझाई, 90 डिग्री में तो BA होता, लेकिन 180 डिग्री में 2BA हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, फ्लक्स जो आपने BA निकाला ये 90 डिग्री में निकाला, अगर किसी क्वेश्चन में 180 डिग्री है तो डायरेक्ट अब अगले क्वेश्चन में यूज़ करना, 90 प्लस 90, 180 डिग्री घुमाने पर चेंज इन फ्लक्स 2BA लिखोगे, ना कि सिर्फ BA, 2BA लिखोगे तभी यहाँ पे ट्वाइस आ पाएगा। बात समझ गए, ठीक है, चलिए कर लीजिए, देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। आ गया फिर एक लेवल और ऊपर क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अ कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए लाइज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, कॉइल है एरिया ए की मैग्नेटिक फील्ड बी में लाई कर रही है, सच दैट इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वही क्वेश्चन है कि इस तरीके से ये कॉइल है, एक इस तरीके से कॉइल बना ली, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऐसे पास हो रही है सरफेस के 90 डिग्री पे बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, यानी ये बताइए अगर इस तरीके से रखी होगी तो थीटा कितना होगा, ऑब्वियसली फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, बी और ए के बीच मैग्नेटिक फील्ड उधर है और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर होगा, एंगल होगा इनिशियली जीरो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर, एरिया भी बाहर, एंगल जीरो, लेकिन उन्हें लिख के भी दे दिया मेक एन एंगल जीरो, से छोड़ो, कॉइल रोटेट्स यूनिफॉर्मली, कॉइल रोटेट कर रही है, ऐसे रखी है यूनिफॉर्मली, ऐसे रोटेट कर रही है, सच दैट इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन टाइम टी, एक रोटेशन जो है यानी ऐसे थी, ऐसे करेगी तो ये आधा रोटेशन हुआ, ऐसे ऐसे आधा रोटेशन, और फिर ऐसे चले जाए तो ये पूरा रोटेशन कैपिटल टी टाइम में कर रही है। कह रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ निकालो व्हेन द कॉइल रोटेट्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। भैया कॉइल जब इस तरीके से ऐसे रखी हुई थी, कॉइल अगर रोटेट करेगी, तो आप सोचिए जब ये ऐसे रखी थी तो उससे पास होता हुआ कुछ ना कुछ फ्लक्स रहा होगा, इस तरीके से रोटेट करेगी तो इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, ऐसे आ जाएगी तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इधर उधर से पास हो जाएगा, ऐसे आएगी तो फिर कुछ ना कुछ फ्लक्स पास होने लगेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर घूमेगी फिर फ्लक्स चेंज होने लगेगा, तो कंटिन्यूअसली फ्लक्स चेंज होने से इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। ये पूछ रहे हैं जीरो से 90 डिग्री पोजीशन पे घूमने पे कितना
कितना फ्लक्स ईएमएफ बनेगा, 90 से 180, 180 से 270 एंड सो कैसे निकाल। तो बहुत ही आसान तरीके से ये कर सकते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला इन जनरल होता है माइनस डीफाई ओवर डीटी, यानी चेंज इन फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। यहां मैं माइनस साइन भी लिख रहा हूं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज होती तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो माइनस हटा देते हैं। यहाँ माइनस साइन का ही खेल है तो माइनस लगाए रहेंगे, बी और ए की वैल्यूज नहीं दे रखी। अभी क्या है, 0 से 90 डिग्री, अभी आप समझो ये इस तरीके से ऐसे रखी हुई थी, ठीक है, ऐसे इस तरीके से रखी हुई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में अगर हम फाइव वन और फाइव टू निकाल लें तो उससे हमारा ई एम एफ आ जाए इस वाले फॉर्मूले से माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी। कैसे 51 कैसे निकाले, 5 यानी इनिशियल फ्लक्स, 5 यानी फाइनल फ्लक्स। प्लस का तो फार्मूला वही होता है बेटा, BA cos theta, BA cos theta, बस थीटा की बात है कि थीटा क्या डालेंगे। फर्स्ट केस में देखो कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी और कॉइल के नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही थी तो आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड उधर, एरिया भी उधर, दोनों के बीच कितना एंगल था, 0 डिग्री। यानी जब वो 0 डिग्री पे रखी थी तो एंगल भी 0 डिग्री था। अब आप सोचो कि अगर कॉइल को घुमा दें ऐसे 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 से ऐसे 90 डिग्री घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो वही रही लेकिन कॉइल क्योंकि 90 डिग्री घूम गई तो एरिया, इसका जो एरिया वेक्टर बाहर था वो भी तो घूम के ऐसे आ जाएगा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर कितने एंगल से घूम गया, 90 डिग्री से। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच 0 डिग्री एंगल था लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगी लेकिन एरिया बाहर की तरफ आने से, मैग्नेटिक फील्ड उधर एरिया बाहर की तरफ आने से एंगल हो जाएगा कितना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच 90 डिग्री। तो फाइनल एंगल जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। 0 से 90 घुमाने पर यहाँ पर डायरेक्ट 0 से 90 हो गया, ये बात आप समझ गए। आगे यही लगने वाली है, इतना मैं समझाऊंगा नहीं कि ऐसे ऐसे ऐसे, आप भी डायरेक्ट करेंगे 0 कैसे आया वो मैंने समझाया, 90 कैसे आया वो समझाया, लेकिन अगली पोजीशंस में हम डायरेक्ट डालेंगे कैसे देखते हैं। यहाँ cos 0 तो 1 होता है, प्लस 1 तो यहाँ बी ए आ गया, cos 90 0 होता है तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पे डाल दीजिए माइनस 52 है 0 माइनस बी ए अपॉन बेटा पूरी साइकिल का, ऐसे से ऐसे गई ये आधी साइकिल और फिर ऐसे से ऐसे गई ये पूरी एक साइकिल में कैपिटल टी टाइम लग रहा है। 360 डिग्री रोटेट होने पर टी टाइम लग रहा है, हमने तो सिर्फ 90 डिग्री रोटेट किया है तो टाइम लगेगा टी बाई फोर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 4 बी ए अपॉन टी इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट हम डायरेक्ट करेंगे, ईएमएफ का फॉर्मूला वही होगा माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, लेकिन फाइव वन और फाइव टू निकालने वाली जो बात है इसका फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे 0 से 90 घुमाया था तो 0 और 90 लिख दिया, ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 90 से 180 घुमाया है तो यहाँ पे 90 और यहाँ 180 लिख देंगे। cos 90 होता है 0 और cos 180 माइनस 1 होने की वजह से ये हो गया माइनस बी ए। यहाँ पे डालते हैं 52 है आपका माइनस बी ए, 51 है 0, टाइम वही 90 से 180 यानी 90 डिग्री घूमने में टाइम तो वही लगेगा टी बाई फोर, है ना। तो ये आपका माइनस माइनस फिर प्लस हो गया और 4 ऊपर चला गया, 4 बी ए अपॉन टी इसका भी आंसर आ गया ये। ऐसे ही अगला तीसरा और चौथा पार्ट प्यारे अपने आप करिएगा, 180 से 270 घुमाया है, यहाँ पे 180 डालिएगा, 51 इज इक्वल टू बी ए कॉस 180 और 52 इज इक्वल टू बी ए कॉस 270। इन्हें कॉस 180 की वैल्यू आपको मालूम है माइनस 1 होती है और कॉस 270 की याद होनी चाहिए, नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ फिर तो कर लोगे, कॉस 270 होता है 0। ये दोनों वैल्यूज निकाल के फिर से ही निकालो और देखो माइनस 4 बी अपॉन टी आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसी फोर्थ केस में क्या आ रहा है ये देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी सा है समझने के लिए लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये करिए। फिर बढ़ते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन। ओके मेरे प्यारे बच्चे बताइए, जो अभी तक क्वेश्चन चल रहे हैं समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इजी है कि नहीं है। अब ये क्वेश्चन करने के बाद अपनी बुक खोल के जरूर क्वेश्चन करना, तभी चीजें दिमाग में बैठेंगी, सिर्फ देखने से नहीं होता है, खुद भी करना लग पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है।
देखिए अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर। लो भैया सर्कुलर लूप, ठीक है, वायर सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर रेडियस इसका है, r इक्वल टू मीटर में ही लिख ले रहा हूं 0.12 मीटर अपॉन 100 करके, एंड 8.5 ओम रेजिस्टेंस लीजिए लिख लिया, चेंजेस विद टाइम एज शोन इन द फिगर। यहां पर एक ग्राफ बना रखा है, एक ग्राफ में एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड लिया टेस्ला में, दूसरी तरफ टाइम लिया है सेकंड में, ठीक है, ये 0, 2, 4, 6 इधर 1, 2, ठीक है, आप देख रहे हैं टाइम के साथ साथ पहले ग्राफ ऊपर जा रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, फिर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फिर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। इस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है, पास होती हुई मैग्नेटिक फील्ड कह लो, मैग्नेटिक फ्लक्स कह लो, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा इससे लिंक, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, जितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी नहीं तो फ्लक्स भी नहीं बढ़ेगा, तो ईएमएफ भी नहीं बनेगा, और फिर से जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो फिर से ईएमएफ बनेगा। तो पूछा ये है इन्होंने कि कैलकुलेट द इंड्यूस करंट इन द लूप, और फिर आगे भी कुछ पूछा है, इंड्यूस करंट निकालिए, करंट के लिए ईएमएफ निकालना पड़ता है, ईएमएफ निकालेंगे अपॉन आर कर देंगे करंट आ जाएगा, लेकिन ई कैसे निकालें, एक बार में नहीं निकालेंगे क्योंकि ग्राफ में तीन वेरिएशंस हैं, तो तीन बार में निकालेंगे कि 0 से 2 सेकंड क्या हो रहा है, 2 से 4 क्या हो रहा है, 4 से 6 क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके यहां लिख रहा हूं कहां 0 से 2 सेकंड, टाइम जो है 0 से 2 सेकंड के बीच क्या हो रहा है। अभी आप देखिए 0 से 2 सेकंड में ई अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला है dy/dt, यहां पर d phi की जगह हम डाल देते हैं ba, है ना, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है, एरिया तो सर्किल का वही है, चेंज हो रहा है यहां पे तो हो रही मैग्नेटिक फील्ड। कुछ क्वेश्चंस में एरिया चेंज होता है, कॉइल छोटी होती जा रही थी जैसे अभी पढ़ा था, तो उसमें एरिया कांस्टेंट नहीं था, b कांस्टेंट था, तो b बाहर निकाला, लेकिन यहां एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो जो चीज कांस्टेंट है उसे बाहर निकालिए, तो ये बन गया माइनस ए dv/dt, है ना, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अपॉन टाइम, एरिया की जगह तो लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड यहां पर 0 थी, यहां पर 1 हो गई मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुई 2 सेकंड के बीच, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुई है 1-0 यानी 1, और कितने टाइम में हुई है, यहां से यहां तक टाइम इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, टाइम लगा है 2-0 यानी यहां से यहां तक का टाइम हो गया 2, तो ये हो गई माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, आर की वैल्यू डाल के पाई की वैल्यू डाल के आप ईएमएफ निकाल लेंगे कि कितना बना, ठीक है, ईएमएफ आ जाएगा तो करंट भी आ जाएगा, करंट का फॉर्मूला ई अपॉन कैपिटल आर, वैल्यूज निकाल के आर से डिवाइड करेंगे, वैल्यू निकालना मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कंसेप्ट में बता रहा हूँ, पॉज करके इस क्वेश्चन के बाद अपने आप निकालिएगा और आंसर टैली करिएगा कि 0 से 2 सेकंड्स के बीच इतना करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या माइनस साइन हमने रखा है, बच्चे बोले कहीं माइनस साइन ले लेते हो, कहीं हटा देते हो सर, तो बेटा क्या है ना, जनरली माइनस साइन हम वहां पे हटा देते हैं जहां पे सिर्फ एक ही बार ईएमएफ निकालना है, या तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से या फ्लक्स के डिक्रीज होने से, लेकिन जहां पे फ्लक्स इंक्रीज भी हो रहा है फ्लक्स डिक्रीज भी हो रहा है वहां दो ईएमएफ हम निकाल रहे हैं, तो उस केस में दोनों जगह जो ईएमएफ बनेगा बनेगा तो, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, एक बार फ्लक्स के इंक्रीज होने से बन रहा है, एक बार फ्लक्स के डिक्रीज होने से, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ये कैसे दिखाएंगे, साइन लगा, इसलिए उस केस में जहां दो दो चीजें एक साथ हो रही हैं, बढ़ना भी कम होना भी, वहां मत करना कि माइनस साइन हटा दो, ठीक है, माइनस साइन वहां लगे रहने देना, तो यहां पे क्योंकि बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है इसलिए हम यहां माइनस साइन नहीं हटा रहे हैं, ये एक जगह माइनस आएगा एक जगह नहीं आएगा, तो एक जगह दिखाएगा कि भैया एक डायरेक्शन है, दूसरा साइन दिखाएगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, फिलहाल यहां माइनस, तो ई की वैल्यू डालेंगे तो आई माइनस में आएगा ही आएगा। अगले केस में आप देखिए, अगर हम बात करें टाइम की वैल्यू 2 से 4 सेकंड के बीच में, क्योंकि भैया फील्ड चेंज ही नहीं हो रही है, फील्ड में कोई चेंज नहीं है, तो E का फॉर्मूला माइनस ए dv/dt था, फील्ड में कोई चेंज नहीं है तो ईएमएफ हो जाएगा 0, करंट भी हो जाएगा 0, तो सिंपल है।
तीसरे केस में 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच की अगर बात करें तो फील्ड चेंज हो रही है, फील्ड कम हो रही है। ईएमएफ का फार्मूला डिराइव कर ही चुके हैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं ई डीवी ओवर डीटी। देखिए फार्मूला नया नया बन जाता है, अभी मत कहना सर ये फार्मूला कहीं नहीं बताया आपने, ये फार्मूला स्टैंडर्ड नहीं है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, कभी ए हो सकता है, कभी बी बाहर आ सकता है, ए अंदर रह सकता है। फिलहाल यहाँ पे एरिया तो आप पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन अब की मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आया है, फाइनल माइनस इनिशियल करें, फाइनल है जीरो जबकि इनिशियल है वन, फाइनल पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इनिशियल पे है वन, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया जीरो माइनस वन। और टाइम कितना लगा 4 से 6 सेकंड, वो तो 2 ही लगा। अब ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। देखिए तो यहां माइनस आ रहा है, यहां प्लस आ रहा है, ये यही दिखा रहा है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है फ्लक्स के बढ़ने से, यहां फ्लक्स कम हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो ऑपोजिट हो गई होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज डालिएगा और अपने आप इसके बाद आई भी निकालिएगा। आई निकालने के लिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ई जब यहाँ पे आया वो यहाँ पे आया तो आई भी सेम आएगा, तभी यहाँ माइनस में 2.7 है, यहाँ प्लस में 2.7 है, बीच में जीरो। बस समझ गए कि नहीं समझ गए, करिएगा इसे। अगला पार्ट क्या है, कह रहे प्लॉट प्लॉट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये ग्राफ जो दे रखा है ये मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ है, हमें करंट का बनाना है टाइम के साथ, इसी के नीचे बना देते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये यहाँ पे 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड इधर टाइम ले लेते हैं सेकंड में, ये 2, 6, 2, 4, 6। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 1, 2, 3 थी तो यहाँ 1, 2, 3 थोड़ी लोगे, यहाँ करंट ले रहे हो तो करंट के डिवीजन, करंट तो की वैल्यू या तो जीरो है या फिर 2.7 आई है, 2.7 तो यहाँ पे ले लो 2.7 और एक प्लस में है और एक माइनस में भी है, तो जितना ऊपर प्लस में लोगे उतना ही नीचे माइनस में भी लोगे, रफली बना रहा हूँ आप बनाना। 0 से 2 सेकंड के बीच जब फील्ड बढ़ रही थी तो करंट कितना था, करंट आपका निकल के आया था 2.7 माइनस में, तो -2.7 -2.7 -2.7 रहेगा 2 सेकंड तक, लेकिन 2 से 4 के बीच जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रही तो कोई करंट नहीं बना, करंट 0 आया, तो 2 से 4 सेकंड के बीच करंट की वैल्यू रहेगी 0 0 0 0 0, लेकिन 4 से 6 सेकंड के बीच मैग्नेटिक फील्ड कम हुई, करंट फिर से बना, पक्की बात +2.7, तो प्लस तो ऊपर है, +2.7 तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है करंट बनता जा रहा है, करंट कांस्टेंट है 2.7 2.7 2.7, तो करंट +2.7 2.7 2.7 इस तरीके से ऐसे ग्राफ रहेगा, यहाँ -2.7 फिर 0 फिर +2.7। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ वाले बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो मैं आखिरी में कराऊंगा कुछ और टॉपिक्स के बाद, बने रहिएगा अगले लेक्चर में प्यारे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे एग्जाम्स के लिए, 12th के और कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं बेस्ड ऑन ग्राफ एंड डायग्राम। लेट्स सी क्या आएंगे। फिलहाल प्यारे जब तक के लिए अभी ये पूरा आप कॉपी में अपने आप करिए डायग्राम बना के जैसे मैंने समझाया है। फिलहाल पीछे जितने क्वेश्चन करे हैं वो भी अगर आपने अभी तक नहीं करे हैं अपने आप करिएगा, उसके बाद पहले अगले लेक्चर से पहले एक आपके लिए मैं क्विज का क्वेश्चन दे रहा हूँ प्यारे, ये क्विज का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर जरूर कर दीजिए, जरूर कर दीजिए। ऑप्शंस दे रखे हैं 4, जल्दी से पॉज करके इसको सॉल्व करिए और इन 4 में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है मुझे टाइप करके बताइए इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी कौन कौन बच्चे अभी जितना पढ़ाया उसके बेसिस पे सही आंसर कर पाते हैं। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, इसका कुछ अगला टॉपिक इमोशनल ईएमएफ और आगे के कई सारे टॉपिक्स आगे लेक्चर्स में लाएंगे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, जनरेटर वगैरह देखेंगे। फिलहाल जैसे मैं बोल रहा था आज के लिए मैथ्स करिएगा, असाइनमेंट में मैं क्वेश्चंस दिए हैं वो करिएगा, असाइनमेंट कहाँ से मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी ही लिंक दूंगा उससे मिलेगी, और जब तक आपको असाइनमेंट नहीं अपनी बुक से जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इस पे बेस्ड करिए। अगला लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली अगले लेक्चर पे जा सकते हैं, आगे और पीछे के लेक्चर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से भी जा सकते हैं। फिलहाल बेटा मेहनत करते रहिए जो भी पढ़ रहे हैं,
स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए मेरी तरफ से आपको आपके बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट।